और चलिए आपको बड़ी खबर बताएंगे श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है कि आफताब का रोहिणी एफएसएल सेंटर में पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। आज आरोपी से कई सवाल पूछे जाएंगे केस से जुड़े हुए। एक हफ्ते तक पॉलीग्राफी चलेगी, ब्रेन मैपिंग होगा और नार्को टेस्ट की प्रक्रिया होगी। आपको बता दें कि कल अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट हो सकता है। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में अभी तक पुलिस को कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में प्रक्रिया शुरू कर दी। आज आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और उसके बाद कल आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। कोर्ट ने आरोपी आफताब की पुलिस हिरासत अगले 4 दिन के लिए बढ़ा दी है। तो देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें भी हैं। कल ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अंबेडकर अस्पताल में चूंकि नार्को टेस्ट हो सकता है तो उससे लगाया जा रहा है अंदाजा कि बहुत बड़े जैसे जो राज हैं वो उगल सकता है। आफताब दरिंदगी अब बेनकाब होगी। 2 दिन का ये वक्त है जो शिकंजे में है शातिर कातिल, उसका अब नार्को टेस्ट होगा। उसके पहले आज पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है तो कह सकते हैं कि खत्म होगा कत्ल का सस्पेंस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की शिकायत वाली चिट्ठी से नया मोड़ अब आ गया है। श्रद्धा ने 2020 में पुलिस से आफताब की शिकायत की थी। जी न्यूज के पास शिकायत की कॉपी मौजूद है। 23 नवंबर 2020 को लिखी पुलिस की शिकायत में श्रद्धा ने लिखा है कि आज आफताब ने उसे गला घूंटकर मारने की कोशिश की। उसने मुझे धमकाया और ब्लैकमेल किया कि वो मुझे टुकड़े टुकड़े में काटकर फेंक देगा। वो पिछले 6 महीने से मुझे मार रहा है लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं पुलिस के पास जाऊं क्योंकि वो मुझे मार देगा। श्रद्धा की इस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि आफताब के माता पिता को ये पता है कि वो मुझे मारता है और उसने मेरी हत्या की कोशिश भी की है। उन्हें यह भी पता है कि हम लोग यहाँ रहते हैं और वो यहाँ वीकेंड पर आते भी हैं। मैं उसके साथ अब तक इसलिए रह रही हूँ क्योंकि ये उम्मीद थी कि हमारी शादी जल्द हो जाएगी और मुझे उसके परिवार का आशीर्वाद भी मिल जाएगा, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। किसी भी तरह के शारीरिक चोट के लिए वो जिम्मेदार होगा क्योंकि वो मुझे हत्या की धमकी दे रहा है। ये अपने गाँव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गाँव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।